हेलो बच्चों, मैं हूं अशोक सर। वेलकम टू बाजार मैथ्स क्लासेस। लास्ट वीडियो में हमने पार्ट वन का जो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक, उसकी पहली एक्सरसाइज ले ली, एक्सरसाइज 1.1। अब आज हम आगे का क्वेश्चन लेने वाले हैं, सीधे नेक्स्ट पोर्शन, नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्टेटमेंट पैटर्न। देखो स्टेटमेंट पैटर्न क्या है। ए टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर जॉइन बाय टू और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज नोन एज स्टेटमेंट पैटर्न। देखो, इफ टू और मोर सिंपल स्टेटमेंट्स आर जॉइन बाय टू और मोर लॉजिकल कनेक्टिव्स लाइक एंड और नॉट, इफ देन, इफ एंड ओनली इफ, देन इट इज नोन एज स्टेटमेंट पैटर्न। तब उसको बोलेंगे हम स्टेटमेंट पैटर्न। देखो, दो या दो से ज्यादा स्टेटमेंट अगर दो ये दो से ज्यादा कनेक्टिव से ज्वाइन किए, तब जो स्ट्रक्चर मिलेगा, जो पैटर्न मिलेगा, उसको हम बोलेंगे स्टेटमेंट पैटर्न। दिस स्टेटमेंट पैटर्न्स, सीधी नेक्स्ट, दिस स्टेटमेंट पैटर्न्स आर डिनोटेड बाय यस वन, यस टू, यस थ्री एक्सेट्रा। देखो, स्टेटमेंट पैटर्न हम कैपिटल यस से डिनोट करते हैं। यस वन फॉर फर्स्ट स्टेटमेंट पैटर्न, यस टू सेकंड स्टेटमेंट पैटर्न, यस थ्री थर्ड स्टेटमेंट पैटर्न, एंड लाइक दिस। देन सीधे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, सपोज यस वन इज गिवन, यस वन की वैल्यू है निगेशन पी एंड क्यू कंडीशनल पी और निगेशन क्यू। सी दिस स्टेटमेंट पैटर्न, हियर देयर आर टू स्टेटमेंट पी क्यू एंड सीधे कनेक्टिव। यहां पे देखो, निगेशन है, एंड है, कंडीशनल है, और है, निगेशन है। तो ऐसा जो स्ट्रक्चर है उसको बोलते हैं हम स्टेटमेंट पैटर्न, और इसको हम यस वन यस टू से डिनोट कर सकते हैं। सो द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न यस टू इज निगेशन पी एंड क्यू कंडीशनल पी और निगेशन क्यू। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ स्टेटमेंट पैटर्न। देन सी द नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिकल कनेक्टिव, लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो, नेक्स्ट पॉइंट इज लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो, ये लॉजिकल इक्विवेलेंस क्या है? दैट मींस व्हेन टू स्टेटमेंट पैटर्न्स आर लॉजिकली इक्विवेलेंट, अगर दोनों स्टेटमेंट पैटर्न की हमने ट्रूथ वैल्यू निकाली और दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर सेम है, तो हम बोल सकते हैं कि जो दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न्स है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। इफ ऑल एंट्रीज ऑफ गिवन स्टेटमेंट पैटर्न आर आइडेंटिकल, मतलब सेम, इक्वल, देन वी कैन से दैट दीज स्टेटमेंट पैटर्न आर लॉजिकली इक्विवेलेंट। देखो, अगर दोनों की एंट्रीज ट्रुथ टेबल में सेम है, तब हम दोनों को क्या बोल सकते हैं? लॉजिकली इक्विवेलेंट। अगर यस वन एंड यस टू
These are logically equivalent. Then we can write as if S1 and S2 are logically equivalent. अगर दोनों equivalent है, दोनों statement pattern, then we can write this S1 is equivalent to S2. देखो ऐसा इसको हम denote कर सकते हैं. S1 is equivalent to S2. मतलब ये जो दोनों statement pattern है, these are logically equivalent. Then next point is types of statement pattern. Types of statement pattern. Here there are three types of statement pattern. देखो पहला बार. Number one, tautology. If all entries of given statement pattern are true, then it is known as tautology. देखो स्टेटमेंट पैटर्न की सभी एंट्रीज अगर ट्रू है, सभी एंट्रीज अगर कैपिटल टी है, एक भी एम नहीं है, देन उसको हम बोल सकते हैं टोटोलॉजी. नंबर टू कॉन्ट्रेडिक्शन, इसके अपोजिट है कॉन्ट्रेडिक्शन. देखो इफ ऑल एंट्रीज ऑफ given statement pattern are false, मतलब यह, then it is known as contradiction. अगर सभी के सभी entries false है, मतलब यह पे, then we call it as contradiction. Then see the third one. Contingency. If the given statement pattern is neither tautology nor a contradiction, then it is known as contingency. देखो, if the given statement pattern is neither tautology nor contradiction. Tautology भी नहीं है, contradiction भी नहीं है. इसका मतलब वो जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो है कॉन्टिजेंसी. उसको क्या बोलेंगे हम? कॉन्टिजेंसी मतलब इफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रेडिक्शन, देन इट इज नोन एज कॉन्टिजेंसी. टोटोलॉजी भी नहीं है, कॉन्ट्रेडिक्शन भी नहीं है, तब उसको हम बोलेंगे कॉन्टिजेंसी. देन ये जो लिए हमने क्वेश्चन, उसके ऊपर नेक्स्ट एक्सरसाइज है, तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज लेने वाले हैं. सी दी नेक्स्ट एक्सरसाइज. सी दी एक्सरसाइज 1.2. क्वेश्चन नंबर 1. कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. सी अगेन, कंस्ट्रक्ट दी ट्रुथ टेबल फॉर ईच ऑफ दी फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. यहां पे हमको सिर्फ ट्रुथ टेबल निकालना है. फर्स्ट प्रॉब्लम इज in bracket p conditional q and q is conditional with p. then see the truth table. here first of all count the number of statement. देखो यहाँ पे कितने statement है. here in total there are two statement p q.
आर रहेगा तो थ्री रहेंगे, यस रहेगा तो फोर स्टेटमेंट रहेंगे, बट हियर ओनली देर आर टू स्टेटमेंट पी क्यू, मतलब दो स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ टू कॉलम्स पी क्यू, देन टेक फर्स्ट ब्रैकेट दैट इज पी कंडीशनल क्यू, और इसका क्यू के साथ कंजंक्शन ले लो पी कंडीशनल क्यू एंड क्यू। अब जो लास्ट वाला है ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसका पी के साथ और कंडीशनल लेना है, दैट मीन्स इन दी लास्ट कॉलम देर इज आंसर, तो ए एन एस एन आंसर ऐसा वर्ड आप लिख सकते हैं। देखो ये जो कॉलम निकाले ये बराबर है कि नहीं हम चेक कर सकते हैं। अभी नंबर ऑफ स्टेटमेंट है टू, पी और क्यू दो स्टेटमेंट है, देन काउंट द नंबर ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव काउंट करो कितने कितने हैं, वन टू थ्री, देर आर थ्री कनेक्टिव। अब ये जो दोनों नंबर है उनके एडिशन ले लो, टू प्लस थ्री कितने होते हैं फाइव, दैट मीन्स वी रिक्वायर फाइव कॉलम, कितने कॉलम है वन टू थ्री फोर फाइव, दैट मीन्स आवर ट्रुथ टेबल इज करेक्ट। तो ये टेंथ ध्यान में रखो, जो नंबर ऑफ स्टेटमेंट है काउंट करो और बाद में नंबर ऑफ कनेक्टिव काउंट करो, दोनों की एडिशन जितने हैं उतने कॉलम आने चाहिए। हियर देयर आर टू स्टेटमेंट, दैट मीन्स इन टोटल देयर आर फोर पॉसिबिलिटीज। देखो सिंपल टेक्निक है, जो फर्स्ट कॉलम है इसमें दो ट्रू ले लो और दो फॉल्स ले लो, सेकंड में उसका हाफ करो वन ट्रू वन फॉल्स टी या टी या, देन टेक पी कंडीशनल क्यू, कंडीशनल में हम क्या लेते हैं टी या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी, सो हियर टी 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 या अब इसका क्यू के साथ ले लो कंजंक्शन है एंड, एंड में क्या लेते हैं हम टी 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 रिमेनिंग ऑल अदर्स आर या, देखो टी 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 या टी 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 एंड टी या। अब ये जो फोर्थ कॉलम है इसका पी के साथ ले लो कंडीशनल, और इसकी जो एंट्री है स्टार्टिंग पे ले लो, बाद में दो नंबर पे एंट्री पी की लेनी है, देन अगेन इन कंडीशनल वी टेक टी एम या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी, सो टेक हियर टी 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 देन या टी आल्सो बिकम टी टी या देन या टी, तो ये जो है लास्ट वाला कॉलम दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, आवर आंसर इज T, T, या T. So in this way we can draw the truth table of any logical expression. See the second problem. Truth table. Here in this second problem again there are two statements P or Q. So P, Q. अगर निगेशन है तो P और Q के बाद में ही ले लो निगेशन, यहाँ पे Q का निगेशन है सो टेक निगेशन ऑफ Q, देन नेक्स्ट टेक वन बाय वन ब्रैकेट P एंड निगेशन Q, ये ब्रैकेट ले लो P कंडीशनल Q, और ये दोनों का क्या है बाय कंडीशनल, दैट मीन्स लास्ट कॉलम में रहेगा हमारा आंसर रहेगा, दो स्टेटमेंट है इसका मतलब फोर पॉसिबिलिटी है, देर आर फोर रोज। देखो पहले कॉलम में दो ट्रू दो फॉल्स, सेकंड में एक ट्रू एक फॉल्स, ऐसी सीक्वेंस ले लो। निगेशन क्यू, निगेशन में हम क्या करते हैं टी का या और एफ का टी, तो क्यू वाला कॉलम में चेंज करो टी बिकम्स एफ बिकम्स टी, टी बिकम एफ बिकम टी, देन पी एंड निगेशन क्यू, पहला वाला और तीसरा वाला जो कॉलम है इसमें कंजंक्शन ले लो, कंजंक्शन में क्या है टी 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 रिमेनिंग ऑल अदर्स आर या, सो टी या या टी 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 या टी या, देन पी कंडीशनल क्यू, कंडीशन में क्या है टी या रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी। अब देखो ये जो दोनों ब्रैकेट है ये दोनों कॉलम में क्या लेना है बाय कंडीशनल, लास्ट वाले स्टेप बाय कंडीशनल में हम सेम वैल्यू ट्रू लेते हैं टी 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 एफ एफ टी, और जो मिक्स वैल्यू है टी एफ एफ टी वो फॉल्स लेते हैं,
मिक्स वैल्यू है फर्स्ट टी आर एफ टी एफ टी एफ। देखो सभी के सभी एंट्रीज क्या है फॉल्स है। अगर हमको स्टेटमेंट पैटर्न का अगर टाइप पूछे जाएगा तो ये जो टाइप वो टाइप क्या रहेगा कॉन्ट्रेडिक्शन रहेगा क्योंकि सभी के सभी एंट्री क्या है फॉल्स है। ओके देन सी दी प्रॉब्लम नंबर ए सी दी ट्रूथ टेबल। फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट द नंबर ऑफ स्टेटमेंट। कितने स्टेटमेंट है पी है क्यू है और आर भी है। देयर आर थ्री स्टेटमेंट। अब देखो थ्री स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है पी क्यू आर। अगर निगेशन है इसका तो स्टार्टिंग पे निगेशन लेना है। देखो निगेशन है क्या नहीं है देन टेक वन बाय वन ब्रैकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड क्यू कंडीशनल आर P और A ब्रैकेट उसमें कंडीशनल लेना है P कंडीशनल Q कंडीशनल R। ओके देन टेक दिस ब्रैकेट P एंड Q उसका R के साथ कंडीशनल है P एंड Q कंडीशनल R और जो लास्ट कॉलम है उसमें ये जो दो स्क्वायर ब्रैकेट है ये दो स्क्वायर ब्रैकेट का क्या लेना है बाय कंडीशनल। दैट मींस दिस लास्ट कॉलम इज आवर आंसर। अब देखो थ्री स्टेटमेंट का प्रॉब्लम है। अगर दो स्टेटमेंट है तो फोर पॉसिबिलिटी है। अगर थ्री स्टेटमेंट है तो एट पॉसिबिलिटी है एट रोज आनी चाहिए। देखो सिंपल टेक्निक है पहले एट रो ऐसे ड्रॉ करो देखो एंट्री कैसा लेना है सिंपल टेक्निक है। जो फर्स्ट कॉलम है उसमें फोर ट्रू और फोर फॉल्स है। देखो टी 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 यानी चार ट्रू ले लिए हमने देन टेक फोर फॉल्स या 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 ऐसा ध्यान में रखो ये हो गया फर्स्ट कॉलम। सेकंड में उसके हाफ करो फोर का हाफ क्या रहेगा टू यानी दो ट्रू दो फॉल्स ऐसी सीक्वेंस ले लो। सो टी टी या पिया टी टी या पिया। जो थर्ड वाला है दो का हाफ करो दो का हाफ एक आएगा यानी एक ट्रू एक फॉल्स ऐसी सीक्वेंस ले लो दैट इज टी या टी या टी या टी या। ये हो गए पॉसिबिलिटी। If there are three statements, that means in total there are eight possibilities. देखो simple technique है four true, four false. First column में, second में दो true, दो false. Third में एक true, एक false. Then take Q conditional R. Q और R के बीच में conditional लेना है. Conditional में हम T या P लेते, remaining all others are T लेते. देखो T T T T या P या या T T या P या T T T T T या P या या टी टी या एफ टी। अब पी का ए ब्रैकेट के साथ और कंडीशनल ले लो। देखो टी 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 या टी 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 या टी टी या एफ आल्सो टी या टी टी या एफ टी आल्सो टी। देन पी और क्यू दोनों को बीच में कंजंक्शन लेना है। टेक एन टी 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 T T T T R या T R या या T R या T R या 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 या। और देखो ये जो P and Q है और R है इसमें लेना है कंडीशनल। स्टार्टिंग P and Q से करो सीधी कंडीशनल T T T T या 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 T T या या T या T T या पिया टी या टी टी या पिया टी। और बाद में देखो ए स्क्वायर ब्रैकेट है एक कॉलम और दूसरा वाला ए कॉलम ये दोनों में लेना है बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल में हम सेम वैल्यू ट्रू लेते मिक्स वाले फॉल्स लेते। सो टी टी क्या रहेगा टी या पिया पी टी रहेगा टी 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 सेम वैल्यू ट्रू ले लो टी 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 सभी की
सभी एग्जिस्ट है तो इसका मतलब इसका टाइप क्या है, टोटोलॉजी है। क्योंकि ये जो आगे वाला क्वेश्चन है इसमें हमको जो लेना है यानी आइडेंटिफाई करना है कि टोटोलॉजी है या कॉन्ट्रेडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है। ये क्वेश्चन में सिर्फ हमको ट्रूथ टेबल ही निकालना है, तो इसी तरह से हम ट्रूथ टेबल निकाल सकते हैं। ओके, देन लेट अस सी दी नेक्स्ट क्वेश्चन, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। सीधी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यूजिंग ट्रूथ टेबल्स प्रूव द फॉलोइंग लॉजिकल इक्विवेलेंस। देखो ये जो लॉजिकल इक्विवेलेंस है हमको प्रूव करना है, दो स्टेटमेंट पैटर्न दिए हैं और वो जो दो स्टेटमेंट पैटर्न है लॉजिकली इक्विवेलेंट हमको दिखाने हैं। यहाँ पे देखो जो ट्रूथ टेबल निकालने का जो पोर्शन है वो सेम है, ट्रूथ टेबल जैसे क्वेश्चन वन में हमने निकाले वैसे निकालने हैं, सिर्फ ये जो कॉलम्स है उसको नंबर दे दो। लेफ्ट साइड का जो पोर्शन है देखो कौन से कॉलम में है, राइट साइड कौन से कॉलम में है, अगर वो दो कॉलम की एंट्रीज अगर आइडेंटिकल यानी इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि जो दिए हुए स्टेटमेंट पैटर्न है वो लॉजिकली इक्विवेलेंट है। देन सी वी सॉल्यूशन, सो स्टार्टिंग में उसका ट्रूथ टेबल निकालना है। सी दी ट्रूथ टेबल, हियर देयर आर टू स्टेटमेंट पी क्यू, दो ही स्टेटमेंट है पी क्यू, आफ्टर पी क्यू अब यहाँ पे नंबर भी देने हैं, ये जो कॉलम है वहां पे नंबर दे सकते हैं। देखो यहां लिखता हूं मैं पी क्यू, कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, ऐसे नंबर दे सकते हैं 1 2 3 4। बाद में जिसका नेगेशन है उसका नेगेशन ले लो, देखो P का है नेगेशन ऑफ P, Q का नेगेशन नहीं है, देन ये थर्ड कॉलम रहेगा, टेक 1 by 1 नेगेशन P एंड Q, ये हो गया हमारे लेफ्ट साइड कॉलम नंबर 4। बाद में जो राइट साइड है उसका पहले ब्रैकेट ले लो P और Q, देन ये ब्रैकेट का नेगेशन P के साथ एंड ले लो, सो P और Q एंड नेगेशन ऑफ P, कॉलम नंबर 5 और 6। अब देखो लेफ्ट साइड कौन से कॉलम में है, जो लेफ्ट साइड है कॉलम नंबर 4 में है और राइट साइड कॉलम नंबर 6 में है। अगर 4 और 6 ये दोनों कॉलम की एंट्रीज अगर इक्वल है then we can say that given two statement patterns are logically equivalent। देखो दो स्टेटमेंट है मतलब 4 पॉसिबिलिटी है, तो 4 रोज रहेंगे इधर, पहले कॉलम में 2 ट्रू 2 फॉल्स, दूसरे में 1 ट्रू 1 फॉल्स, नेक्स्ट नेगेशन पी, नेगेशन में हम टी का एम करते हैं, एफ का टी, तो पहला कॉलम चेंज करो टी का एम, ये टी का एम, दोनों एफ का दोनों टी रहेगा। देन नेगेशन पी एंड क्यू, ये जो तीसरा है उसका दूसरे के साथ क्या है कंजंक्शन एंड, एंड में टी 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 रिमेनिंग ऑल अदर्स आर यर, सो यर टी यर, यर टी यर पी यर, टी 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 यर यर की रहेगा। देन पी और क्यू, पी और क्यू में और लेना है डिस जंक्शन, और में क्या लेते हैं हम या पी या पी या, रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी। बाद में ये जो फिफ्थ नंबर का कॉलम है इसका और थर्ड नंबर का दोनों में एंड लेना है यानी कंजंक्शन लेना है, देखो टी या या, टी या, टी 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 एंड या टी या। अब जो फोर्थ और सिक्स कॉलम है उसकी एंट्रीज देखो इक्वल है क्या, क्या है या पी या टी या, या पे भी या पी या टी या, दोनों कॉलम की एंट्रीज इक्वल है, इसका मतलब ये जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न है वो है लॉजिकली इक्विवेलेंट। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन है आंसर हमको यही पे ही दिखाई देता, अगर दोनों कॉलम की एंट्रीज इक्वल आ जाए इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम जो है सॉल्यूशन है वो करेक्ट है, इक्वल नहीं आए तो रॉन्ग है, यहाँ पे हमको समझ में आ जाता है क्योंकि वो शो दैट का क्वेश्चन है प्रूव दैट का क्वेश्चन है। सीधी आंसर, एज ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम्स 4 and 6, 4 और 6 कॉलम की एंट्रीज आर आइडेंटिकल मतलब इक्वल है, देयरफॉर वी कैन से दैट negation P and Q
इज इक्विवेलेंट टू, जो स्टेटमेंट है वैसे की वैसा लिखो, पी और क्यू एंड निगेशन पी, यानी यही हमको प्रूव करना था। सो लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव, हमने प्रूव किया। तो ऐसा सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल प्रॉब्लम है, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में आने वाले प्रॉब्लम है सभी। देन सी दी प्रॉब्लम नंबर 5। फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी प्रूफ टेबल, प्रूफ टेबल निकालना है, कॉलम नंबर भी देने हैं। यार इन दिस प्रॉब्लम देयर आर थ्री स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट है, पी क्यू और आर। थ्री स्टेटमेंट वाला प्रॉब्लम है, पी क्यू आर। देखो अगर थ्री स्टेटमेंट है मतलब एक पॉसिबिलिटी है, तो जो रोज है नंबर ऑफ रोज कितने आने चाहिए, एक आने चाहिए। कॉलम नंबर दे सकते हैं, कॉलम नंबर 2 3। बाद में निगेशन आएंगे, अगर निगेशन नहीं है टेक वन बाय वन ब्रैकेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड पी और क्यू, उसका कॉलम नंबर रहेगा 4। इसका आरके साथ ले लो कंडीशनल, सो पी और क्यू कंडीशनल आर। देन आगे देखो राइट साइड की टर्म, देखो पी कंडीशनल आर, बाद में क्यू कंडीशनल आर, और जो लास्ट में दोनों में लेना है कंजंक्शन, दैट इज पी कंडीशनल आर एंड क्यू कंडीशनल आर। ये हो गया लास्ट वाला, उसको नंबर दे दो 4 के बाद 5 6 7 and 8। Then city left side, left side देखो कौन से कॉलम में, left side P और Q conditional R, कॉलम नंबर 5 में, right side कॉलम नंबर 8 में। अगर 5 और 8 कॉलम की सभी एंट्रीज अगर आइडेंटिकल आ गई, इक्वल आ गई, then we can say that given two statement patterns are logically equivalent. Here there are three statement, that means in total 8 possibility है, तो 8 रोज निकालो। जो पॉसिबिलिटी मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से बताया आपको, जो फर्स्ट कॉलम है उसमें 4 ट्रू और 4 फॉल्स दे दो, 4 ट्रू ले लो और 4 फॉल्स, ओके। सेकंड में उसका हाफ ले लो, 2 ट्रू 2 फॉल्स ऐसी सीक्वेंस ले लो, टी टी या पिया टी टी या पिया। बाद में उसका हाफ करो, 1 ट्रू 1 फॉल्स सीक्वेंस ले लो, टी या टी या टी या टी या, ओके। देन टेक पी और क्यू, और मैं हम या पिया पिया लेते हैं, बाकी सभी एंट्रीज ट्रू रहेगी। देखो पहले और दूसरे कॉलम में आ रहे हो, टी 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 एफ टी टी एफ टी एफ टी टी, बाद में एफ टी टी या पिया पिया और या पिया पिया। देन इसका आर के साथ कंडीशनल ले लो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट फ्रॉम कॉलम नंबर 4 अप टू कॉलम नंबर 3, 4 से स्टार्ट करो, क्योंकि ये जो ब्रैकेट है पहले वाला है, कंडीशनल ले लो, टी 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 या या टी 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 या या टी 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 या 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 टी टी या या टी। बाद में पी कंडीशनल आर ले लो, पहला और तीसरा उसमें कंडीशनल लेना है, टी 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 या या टी 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 या 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 टी टी या या टी या टी टी या या टी, ओके। देन टेक क्यू कंडीशनल आर, सेकंड और थर्ड में और कंडीशनल लेना है, क्यू और आर के बीच में, टी 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 या 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 टी टी या या टी 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 या 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 टी टी या या टी। अब ये जो दो कॉलम है 6 और 7, इसमें ले लो कंजंक्शन यानी एंड। देखो टी 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 या 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 टी 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 या टी या टी 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 या क्या रहेगा या
अब ये जो फिफ्थ और एट कॉलम है उसमें चेक करो जो एंट्रीज है सेम है, देखो उसकी क्या एंट्रीज है, टी एफ टी एफ टी टी दोनों की एंट्रीज इक्वल है, इसका मतलब हमारा जो सॉल्यूशन है वो करेक्ट है और जो दोनों स्टेटमेंट पैटर्न है वो भी क्या है, इक्विवेलेंट है। और फाइनली आंसर लिखना है इसका, एज ऑल एंट्रीज ऑफ कॉलम्स 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल मतलब सेम इक्वल, देयरफॉर जो स्टेटमेंट है जैसा कि वैसे के वैसा लिखो, P और Q कंडीशनल R इज इक्विवेलेंट टू P कंडीशनल R एंड Q कंडीशनल R एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट सर, यही हमको प्रूव करना था। सो लास्ट में लिखना है हेंस प्रूव, सो इन दिस वे वी कैन सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम। जो बच्चे मुझे आप सॉल्व करो, कुछ डिफिकल्टी है कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करो, मैं सबकी कमेंट देखने वाला हूँ। देन लेट अस सी वी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी और अ कॉन्ट्रडिक्शन और ए कॉन्टिजेंसी। तो स्टेटमेंट पैटर्न का जो टाइप है वो हमको आइडेंटिफाई करना है कि टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी। इसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी ट्रूथ टेबल, बाद में जो लास्ट कॉलम है जो आंसर रहेगा उसकी एंट्रीज देखो, अगर सभी एंट्री ट्रू है तो टोटोलॉजी, सभी एंट्री फॉल्स है तो कॉन्ट्रडिक्शन, और अगर मिक्स एंट्री आ गई तो वो रहेगा कॉन्टिजेंसी। देन सी दी फर्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दी ट्रूथ टेबल, हियर देयर आर टू स्टेटमेंट P, Q. Next, take first bracket P and Q. Second bracket Q or P. बाद में दोनों का क्या लेना है? Conditional. That means in the last column we can take answer. दो statement है मतलब 4 possibility है. So यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है उसमें दो ट्रू और दो फॉल्स ले लो, सेकंड में एक ट्रू एक फॉल्स ऐसी सीक्वेंस ले लो, देन टेक पी एंड क्यू, एंड में क्या लेते हैं हम टी टी टी, रिमेनिंग ऑल अदर्स आर यंग, ओके। देन क्यू और पी, देखो क्यू और पी के बीच में और लेना है, देखो टी 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 F T T, then T F T और F T F T, बाद में ये जो दोनों ब्रैकेट है उसमें कंडीशनल ले लो, so T T T, then F T T, F T T, F F T, सीधी all entries of last column, जो last column है उसमें सभी entries true है, इसका मतलब ये है टोटोलॉजी। बाद में आंसर लिखना है नीचे, as all entries in the last column are true, therefore given statement pattern is a tautology, कौन सा टाइप रहेगा इसका, tautology रहेगा। तो ये आंसर है। Let us see the problem number 10. First of all, draw the truth table. Truth table निकालो। Here there are three statements P, Q, R. So three statement वाला problem है। P, Q, R. Next negation देखो, Q का negation है, so स्टार्टिंग में ले लो नेगेशन क्यू। नेक्स्ट टेक दिस इनर ब्रैकेट नेगेशन क्यू और आर, देन टेक दिस स्क्वायर ब्रैकेट पी कंडीशनल नेगेशन क्यू और आर, ओके। देन
ये जो सेकंड स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें का ये राउंड ब्रैकेट है लो q कंडीशनल r देन टेक p कंडीशनल q कंडीशनल r देन अब देखो इसका निगेशन लेना है निगेशन ऑफ p कंडीशनल q कंडीशनल r देन जो लास्ट में है देखो जो लास्ट में है लास्ट में लेने वाले हैं आंसर जो लास्ट कॉलम है वो लास्ट कॉलम रहेगा आंसर दिस स्टेटमेंट है दैट मींस देयर आर 8 पॉसिबिलिटीज 8 रोज निकालो जो फर्स्ट कॉलम है उसमें क्या लेना है 4 ट्रू 4 फॉल्स देखो 4 ट्रू और 4 फॉल्स ही है हमने नेक्स्ट 2 ट्रू 2 फॉल्स टी टी या पिया 1 ट्रू 1 फॉल्स टी या ये हो गए इसकी पॉसिबिलिटी बाद में निगेशन क्यू क्यू का कॉलम चेंज करो निगेशन में हम टी का या पर या पर टी लेते तो वो बनेगा या पिया टी टी या पिया टी टी देन निगेशन क्यू और आर आर के साथ कंजंक्शन यानी सॉरी डिसजंक्शन लेना है और के साथ डिसजंक्शन में हम क्या लेते हैं या पिया पिया रिमेनिंग ऑल अदर्स आर टी देखो या टी टी या पिया पिया टी 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 या टी टी या टी टी या पिया पिया टी 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 या टी टी देन टेक पी कंडीशनल निगेशन क्यू और आर पी का और एक कॉलम का कंडीशनल देना है सो टी 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 या टी 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 या टी टी या पिया टी और कंडीशनल लेना है सो टी 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 या टी टी या टी 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 या टी टी या टी देन टेक पी कंडीशनल Q कंडीशनल R ये जो दोनों कॉलम है उसके बीच में और कंडीशनल लेना है सो टी 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 या टी 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 या टी टी या टी टी या टी टी ओके बाद में इसका ही निगेशन ले लो टी का F बनेगा F का T बनेगा सो टी बिकम्स या बिकम्स टी अब सभी टी F हो जाएंगे या देन सीधी लास्ट स्टेप देखो अब ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो एक कॉलम में है और दूसरा वाला स्क्वायर ब्रैकेट ये है ये दोनों के बीच में हमको लेना है बाय कंडीशनल तो बाय कंडीशनल में हम क्या लेते हैं सेम वैल्यू ट्रू मिक्स वैल्यू फॉल्स देखो टी या मिक्स है क्या बनेगा या टी ओ बी या देन टी या देन सी ऑल एंट्रीज ऑफ लास्ट कॉलम हियर ऑल एंट्रीज आर या यानी फॉल्स देयरफॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज अ कॉन्ट्रडिक्शन वो रहेगा कॉन्ट्रडिक्शन सो सी दी लास्ट आंसर As all entries in the last column की सभी entry are false, सभी entries यह है, therefore given statement pattern
इज अ कॉन्ट्रेडिक्शन। उसका टाइप क्या रहेगा? कॉन्ट्रेडिक्शन। ध्यान में रखो, अगर सभी एंट्रीज है तो कॉन्ट्रेडिक्शन, सभी एंट्रीज टी है तो टोटोलॉजी, और अगर मिक्स एंट्रीज आ गई, कुछ टी है और कुछ एफ है, तो उसको बोलेंगे हम कॉन्टिजेंसी। सो इन दिस वे यू कैन सॉल्व द रिमेनिंग प्रॉब्लम बाय दिस सेम मेथड। बचे हुए आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ डिफिकल्टी हो तो कमेंट करो, आई विल ट्राई टू सॉल्व द डिफिकल्टी ऑफ ईच एंड एवरी कमेंट। तो अगर आपको ये जो वीडियो है पसंद आया तो उसको कृपया लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियो आने वाले हैं, पूरा सिलेबस हम लेने वाले हैं, जो रिमेनिंग पोर्शन है वी विल डिस्कस।